चोटी पकड़ने वाला सीन बनाओ, चोटी पकड़ने वाला, और ऊपर करो हाथ को। इतनी अच्छा आर्किटेक्चर, इतना अच्छा ये मॉन्यूमेंट आप लोगों ने मिस कर रखा था। हर 10 मिनट के बाद आपको उतरना है, आधा घंटा पैदल चलना है। Ajit Asha works. Like and subscribe. This guy's got it. कि पूरी दिल्ली घूमने के लिए कम से कम एक सप्ताह का समय चाहिए और आपके पास समय मात्र एक दिन है। बहुत दिन से प्लान था दिल्ली दर्शन का, आज हम लोगों को मिला है। बस से हम लोग दिल्ली दर्शन करते हैं, दिल्ली की मेन मेन जगहों को घूमेंगे, इसकी जो मोन्यूमेंट्स हैं, इसके जो दर्शनीय स्थल हैं उनका एंजॉय लेते हैं। अभी हम लोग मेट्रो से आगे हैं पटेल चौक पे, और यहाँ से हम लोगों को बस मिलने वाली है। पटेल चौक का ये बस स्टैंड है, इस बस स्टैंड के ऊपर ये बस आने वाली है। 9444 नंबर बताया, ए सी बस है। यहाँ से हम लोग बोर्ड करेंगे उस बस को और फिर आगे का सफ़र शुरू होगा। ले लो जी, हम लोगों की बस आ गई है और बोर्ड हो गया है पटेल चौक मेट्रो से। 10 मिनट के बाद आपको उतरना है, आधा घंटा पैदल चलना है। सभी जगहों पर आपका टाइम को मेंटेन करके चलना है क्योंकि पूरी दिल्ली घूमने के लिए कम से कम एक सप्ताह का समय चाहिए और आपके पास समय मात्र एक दिन है। पहला अपना लोकेशन आ गया जी बिरला मंदिर का। बलदेव जी बिरला ने ये बनवाया था 1938 में, महात्मा गांधी जी ने यहाँ आरती की थी। बहुत ही प्यारा बना हुआ मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। साफ़ सफाई बड़ी प्यारी है, एम्बियंस बहुत अच्छा है। दिल्ली अगर आते हैं तो बिरला मंदिर आप प्लीज़ ज़रूर विजिट करिएगा। हरियाणा 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर। या आई नो हरियाणा, वेरी गुड स्टेट। एंड यू आर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ओह ओके ओके, लॉट ऑफ आवर पीपल गो टू ऑस्ट्रेलिया। Ajit Asha vlogs. Yeah. Like and subscribe. This guy's got it. तो गाइस, स्पॉट नंबर 2 आ गया है हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का। इस संग्रहालय में इनकी बचपन से लेके जवानी तक की, शादी की और अल्टीमेटली बलिदान दिवस तक की सभी चीज़ें सुरक्षित रखी हुई हैं। सॉरी कैमरा नहीं ले जाने दिया अंदर, बट मोबाइल से कुछ शूट किया है, वो हम लोग ऐड करें क्लिप। सो गाइस, ये लोग ये आ गए हम लोग इंदिरा गांधी जी के बंगले पे। वेस्ट एशिया, ये वर्ल्ड के साथ कैसे रिलेशन थे, ये सब गिफ्ट उनको वर्ल्ड से मिले हुए मेरे ख्याल। कुवैत सरकार ने दिया है जी, सऊदी अरब सरकार ने दिया है जी। ये बेडरूम आ गए उनका, ये मंदिर है जी। अब आगे से हम लोग ड्राइंग रूम में, ये उनका ड्राइंग रूम है, सिंपल सा ड्राइंग रूम है जी बिल्कुल। और ये वो एरिया है जहाँ पे इंदिरा गांधी जी के बॉडीगार्ड ने उनको शूट किया था, ये उन्होंने ग्लास से कवर कर रखा है। तो मैडम, आपने अभी इंदिरा गांधी का बंगला देखा, उनके फोटोग्राफ देखे, वो बहुत सुंदर थी। हाँ, बचपन की जो फोटो थी वो बहुत ही स्मार्ट थी। अच्छा, बचपन में थोड़ी जवानी में स्मार्ट होगी, बचपन में क्यूट होते हैं भाई, क्यूट थी फिर वो स्मार्ट हो गई है। अच्छा, बुढ़ापे तक वैसे स्मार्ट ही थी। आपने कपड़े देखे उनके, कैसे सूती साड़ी पहन रखी है, बहुत ही सोबर। यहाँ आपको मेरे को जींस दिलाओ, मेरे को टी शर्ट दिलाओ, अभी मतलब उनको देख के मन कर रहा था कि साड़ी डालने लग जाऊं वैसी। हाँ, और जो उनका फर्नीचर देखा बहुत ही सोबर था, हम लोग
ज़्यादा मतलब ताम जाम इस टाइप की चीज़ें रखते हैं, और उन्होंने बहुत सोबर चीज़ें रख रखी थी जो मेरे को बड़ी पसंद आई, और मुझे मतलब अंदर से मुझे मोहित कर गई हैं कि मैं भी मतलब अपने घर में ऐसी चीज़ें रखूँ। सो गाइस, इंदिरा गांधी संग्रहालय कंप्लीट करके अगला डेस्टिनेशन है राष्ट्रपति भवन। तो गाइज ये मेरे पीछे आ गया लोकेशन नंबर 3 राष्ट्रपति भवन। अभी 15 अगस्त के चक्कर में यहाँ सिक्योरिटी ज़्यादा है, इससे आगे हम लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा। यहीं से आपको एक शॉर्ट विजन दिलाएंगे राष्ट्रपति भवन का। दिल्ली दर्शन हम लोगों का मेरे को लगता है 70% हो पाएगा, 30% मिस रहेगा। कोई नहीं, एक रूम फिर सेना भवन। विज्ञान भवन, विज्ञान भवन। तो गाइस ये आ गई हमारी डेस्टिनेशन नंबर 4 इंडिया गेट। हम लोग पहुंच गए हैं, कंस्ट्रक्शन के चलते इसको भी कुछ दिन के लिए अभी बंद किया हुआ, हम लोग अंदर नहीं जा पाएंगे। अभी पहले इधर एक अमर जवान ज्योति हुआ करती थी, जो अभी इन लोगों ने अमर जवान ज्योति को शिफ्ट कर दिया है, जो बनाई गई थी शहीदों की याद में, जितने भी हमारे शहीद 65 में 71 में या फिर कारगिल वार में जितने भी हमारे सैनिक या हमारे सिविलियन शहीद हुए थे, उन सब की याद में इधर एक अमर जवान ज्योति थी जो लगातार जलती थी। शायद कोई गैस का सिस्टम रहा होगा, वो सिस्टम देख नहीं पाए हम लोग, तो उसको यहाँ से शिफ्ट करके ये लोग ले गए हैं कहाँ पे, सेना मुख्यालय में। मोदी जी अभी लेके गए हैं मेरे ख्याल 1-2 साल पहले। अगला स्टॉप आ गया जी हम लोगों का, ये कोई शॉपिंग एरिया है, राजस्थान टेक्सटाइल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये आपका राजस्थान का है जी? हाँ जी। ओके। सेम लाइक माय वाइफ ना, शी कम फॉर शॉपिंग, शी वांट लॉट ऑफ थिंग्स, बट इन द मार्केट शी आई डोंट लाइक दिस। मैडम हमारी कुछ नहीं लेके आई, हमारे लायक तो कुछ था ही नहीं। होपफुली आप लोगों ने कुछ किया शॉपिंग? क्यों? ये भाई लोगों ने हमारी बुकिंग कर रखी है अर्बन ढाबे पे। ये थाली मिली हम लोगों को, दाल है, घिया है, आलू है, रायता है, चावल है, रोटी है। मैडम ने मना कर दिया जी खाना खाने से, इनको हाइजीन अच्छा नहीं लगा इधर का। वो सिस्टर केरला से है, वो बोल रही है हाइजीन इश्यू है। अभी लंच खत्म किया हम लोगों ने, दोबारा से बोर्ड हो गए हैं बस पे, आगे का सफर शुरू करते हैं। लंच तो सोशो था, 150 रुपया थाली हम लोगों ने वेज नॉन वेज मिक्स करके खाया। हेलो जी, अगला डेस्टिनेशन आ गया अपना कुतुब मीनार। टिकट अभी फ्री कर दी गई है, पहले 46 रुपीज़ की टिकट थी इस पे, अभी ये फ्री कर दिया है, अभी फ्री कर दिया आज़ादी का अमृत महोत्सव करके। हम लोग आ गए हैं कुतुब मीनार के परिसर में अंदर। ये सब पुराने ज़माने का बना हुआ आर्किटेक्चर है,
कभी बनाया होगा। कुतुब मीनार आ ही गए और इन भाइयों ने कैमरे को भी मना नहीं किया, खुशी की बात ये। ये खिड़की देखिए कैसे लगा रखी है इन्होंने बीच में, ये तो काफ़ी चौड़ा है। मेट्रो से हम लोग जो आते थे ना, हैं, मेट्रो से हम लोग आते थे तो ये पतला सा लगता था, बहुत बार आए हम लोग पर इसके अंदर तक आने का कभी जहमत ही नहीं उठाई। कितनी अच्छा आर्किटेक्चर, इतना अच्छा ये मोन्यूमेंट हम लोगों ने मिस कर रखा था। आ जाओ जी, अभी लोहस्तंभ दिखाते हैं आपको। ये देखो कई सौ साल से खड़ा है, लोहे में जंग लग जाता है, पर ये लोहा इतनी अच्छी क्वालिटी का था इसमें जंग नहीं लगा। ये देखिए पत्थरों पे की गई ना, जो सीजल से हैमर से जो ये बनाया गया है, अल्टीमेट ब्यूटीफुल। कैसे कैसी कलाकारी थी लोगों के पास और कितना टाइम होता था। ये देखिए कैसे पत्थरों को काट काट के ये चीज़ बनाई गई है। कितना ऊँचा है, कितने भूकंप आ लिए हैं, कितना मौसम में प्रभाव आ लिया, प्लस माइनस हो लिया है, पर ये ज्यों का त्यों ही खड़ा है। लोग किसी भाई ने तो बनाई थी ये, कहाँ युद्ध की जानकारी लेने के लिए, और अब ये बन गया है जी सेल्फी पॉइंट। अलाही दरवाज़ा, ये पुराने टाइम की घड़ी बना रखी है जिन लोगों ने, समय देखते थे इस पर। बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है जी लोटस टेंपल में, मेरे को लगता है वहां तक पहुंचते पहुंचते आधा घंटा लग जाएगा। 10 मिनट्स लेटर ये आ गया जी मंदिर का एंट्री पॉइंट। ये तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एरिया है इसका। सो गाइस हम लोग घुस गए हैं, पैराफ्री के अंदर तो आ गए हैं, बट मुश्किल लग रहा है उसके अंदर जा पाना, बहुत ही ज्यादा क्राउड है। लेट अस ट्राई। किसने डिज़ाइन किया, कितना प्यारा डिज़ाइन है। बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण हम लोग अंदर नहीं जा रहे हैं, बाहर से आपको इसका नज़ारा दे रहे हैं। ग्रीनरी बहुत अच्छी मेंटेन कर रखी है यहाँ पे, अच्छा लगा यहाँ की शांति है। यहाँ पाओ तो फुर्सत में आओ जब आपके पास टाइम हो। मंदिर से निकल के ये छोटी छोटी शॉप्स लगा रखी हैं कुछ खाने पीने की। ओके फ्रेंड्स बाय, थैंक्स अ लॉट। अच्छा ओके, और ये हो गया जी टूर ओवर। आश्रम चौक पे हमें ड्रॉप कर दिया है और यहाँ से हम लोग मेट्रो लेंगे साउथ एक्सटेंशन के लिए, और वहाँ से फिर अपन घर की रवानगी पकड़ेंगे। तो गाइस दिल्ली का सफ़र पूरा करके आ गए हम लोग दिल्ली दर्शन मेट्रो स्टेशन पे आके दोबारा से, और अब हमारी मैडम बताएंगी आपको आज के तजुर्बे के बारे में। थोड़ा दर्शकों को बताओ जी क्या क्या देखा, कैसा देखा है, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था। सबसे पहली बात, अगर कहीं घूमने का प्रोग्राम बना रहे तो गर्मी में ना बनाएं, कोई मज़ा नहीं है गर्मी में कहीं जाने का। हाँ, खाने का बिल्कुल साथ लेके जाओ, अगर ये इन बस वालों के साथ जाते हैं तो ये बहुत गंदा महागंदा खाना खिलाते हैं, इनकी मर्जी से खाना पड़ता है, अपने पास कोई वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है वहाँ खाने का।
बेशक खाने पीने का सामान गाड़ी में आप लोग छोड़ सकते हैं, खाने पीने का सामान आपने खाया हमने खाया एक ही बात है।